हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पैथन वीडियो ट्यूटोरियल में। तो पैथन के वीडियोस में लास्ट टाइम में हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में जाना था और हमने बताया था कि बीच बीच में छोटे छोटे प्रोजेक्ट रखते रहेंगे ताकि आप जब उस प्रोजेक्ट को करो तो थोड़ा सा एक अच्छा फील हो। तो आज हम बात करेंगे डिस्प्ले कैलेंडर कि अपने कैलेंडर को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ये चीज़ हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उसको आप EXE कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट, कोडिंग करेंगे। एक फाइल हमने यहाँ बना रखा है, आप भी फाइल बना लीजिए। फाइल बना के करना है ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं जो ये चीज़ें बेसिक जानते हैं कि पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे देन उसमें कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से होगा कि इम्पोर्ट कैलेंडर, तो हमने यहाँ पे कैलेंडर को इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद मुझे इनपुट लेना है, तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे लिखते हैं वाई इक्वल टू, अब इंट में चाहिए मुझे तो इंट, इंट के अंदर हमने दे दिया इनपुट। हम लोग बीवी में इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं, यहाँ इनपुट होता है प्लीज प्लीज एंटर ईयर। उसके बाद फिर हम इंट करते हैं यहाँ पे एम, एम इक्वल टू यहाँ लिखते हैं इंट और फिर इसके अंदर देते हैं इनपुट ब्रैकेट, यहाँ पे लिखते हैं एंटर मंथ और फिर स्पेस देते हैं। और यहाँ हम बस कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट एफ का कमांड देना है। किसका देना है? प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ प्रिंट का मतलब कि कई सारे सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। प्रिंट एफ यहाँ लिखते हैं कैलेंडर डॉट मंथ और यहाँ पे ईयर वाई कॉमा एम, बस इतना ही करना है, कुछ खास नहीं। अब मैं इसको यहाँ से रन करता, रन करते ही यहां पूछ रहा है प्लीज एंटर ईयर। तो यहां पे मैंने, सॉरी ये ऊपर टाइप हो गया, नीचे यहां पे करना है। टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंटर करते, मंथ हमने डाल दिया सेवन और एंटर करते देखिए यहां पे कैलेंडर आ गया। लेकिन ये तो यहाँ चल रहा है ना, मुझे इसकी exe फाइल बनानी है। तो exe फाइल बनाने के लिए आपको एक यहाँ पे दीजिएगा गेट सी एच। पिछले बार मैं बताया था गेट सी एच ना देने से क्या होता है, एक वेरिएबल पे देना पड़ेगा, इसे मैं ए इक्वल टू कर दिया। गेट सी एच ना देने से प्रॉब्लम क्या होगा? गेट सी एच ना देने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपका रिजल्ट रुकता नहीं है, स्क्रीन जो है होल्ड नहीं होती है। गेट सी एच ई होता है, ई छूट गया था। ए इक्वल टू गेट सी एच ई। अब हमें इसका एक ए बनाना है, ई एक्स सी बनाना है। EXE बनाने का दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको कि आपको जाना है कहाँ पे, सेल में, पावर सेल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए। पावर सेल अगर नहीं है तो विंडोज पावर सेल में यूज करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पे। और यहाँ पे हमें लिखना है, हमने आपको बताया था कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको एक इंस्टॉल PY इंस्टॉलर जो है आपको यहाँ से पिप करना पड़ेगा। अगर ये आपने फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा PIP, यहाँ पे लिखना पड़ेगा PY इन S T A डबल R P R, बस
क्विप इंस्टॉल, हाँ सॉरी यहाँ इंस्टॉल छूट गया मुझसे, इंस्टॉल इंस्टॉल। अब मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी ये पड़ा है, तो ये यहाँ पे दिखाया है कि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट आपको जरूरत पड़ेगा ए पिप का। इंस्टॉल करने के बाद पैथन पे जाइए, आप सीडी कर दीजिए चेंज डी आई आर ड्राइव, सी एच सी डी चेंज ड्राइव, और यहाँ मैं जी ड्राइव के अंदर जा रहा हूँ पैथन फोल्डर में, जहाँ पे मेरा फाइल जो है out.2.pi जो है पड़ा हुआ है, तो पैथन फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है सीधे PYINSTALLER installer space double dash, यहाँ पे लिखना है one file, उसके बाद out.py, out to है ना, माफ कीजिएगा, out.py। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ये थोड़ा चलेगा, वो आपके कोडिंग के हिसाब से कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लगता है, कभी कम टाइम भी लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक करेक्टर मोड हो गया, लेकिन हर कोई कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरह की कोडिंग करने के लिए में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, हर कोई नहीं बना पाता है, तो उसका एक और तरीका है जी आई एम में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी यहाँ पे है, इसलिए आपको auto pi to exe का एक जो है आता है प्रोग्राम, वो बनाना होगा। देखिए कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपका पैथन सेव है, तो जी ड्राइव के अंदर मेरे पास पैथन आपके फोल्डर में है। अभी देखिए बिल्ड और डीआईएसटी, बिल्ड के अंदर भी इसके बाकी कंपोनेंट होते हैं, और डीआईएसटी में देखिए आउट टू करके आपका ईएक्सी फाइल बन के आ जाता है। अब इसको रन कीजिए, रन करते ही आपके सामने एक आया, मैं यहाँ पे 2022 डाला, एंटर, 7 डाला, एंटर। हमने यहाँ पे लग रहा है गेट सी एच को डालने के बाद हमने इसको रन नहीं किया था, कंपाइल नहीं किया था, हाँ इसको कंपाइल नहीं किया था। देखिए बाद इसको डालने के बाद कंपाइल करेंगे तभी कोड ये सेव होगा। अब जो है फिर वापस हम आते हैं अपने कोड में, और सेम कोड को यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो गेट सी एच ई जो है आप नहीं डालेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा कि आपका आपको आउटपुट दिखेगा ही नहीं। मैं दोबारा इसको रन किया है, कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं, यहाँ पे सेव, अभी स्क्रीन नहीं दिखा, ओके गेट सी एच, यहाँ पे हमने ए इक्वल टू गेट CH, अच्छा ये इनवैलिड दिखा रहा है,
मैं दोबारा चेंज किया, देखिए क्या होता है। सक्सेसफुली हो गया। बाकी सारा कोड रन कर रहा है लेकिन वो होल्ड नहीं हो रहा है। हाँ अब होल्ड हो रहा है, तो अब बिल्कुल हुआ। तो बस वही था कि हमने स्पेस नहीं दिया था, आई थिंक यहाँ पे हमने ए के इक्वल के बाद स्पेस नहीं दिया था, इस कारण से दिक्कत हो रहा था। अब प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट MSVCRT इम्पोर्ट के कैच और कैची, ये नया कोड आ गया। सर ये कोड नहीं आया था पहले, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इस कारण से प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे केसेस में आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर बना के दे दिए। अब दूसरा बारी आती है कि अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में करें तो कैसे होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जी हाँ, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको जो है यहां पे एक चीज करना पड़ेगा, आपको यहां पे करना पड़ेगा pip install auto py to exe, ये आपको रन करना। तो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी है, तो ये पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये आउट हो गया यहाँ पे पी आई टू इंस्टॉल हो गया। अब इसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पे पावर सेल में आएंगे और पावर सेल में मैं यहाँ पे जो है सिंपल सा लिखूंगा ऑटो डैश py डैश टू डैश exe, सिंपल सा एंटर करते हैं। एक दो सेकेंड होल्ड होगा और एक इंटरफेस आपको इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है स्क्रिप्ट फाइल, आप जाइए अपने स्क्रिप्ट फाइल जहाँ सेव है वहाँ पे, मेरा पाइथन के अंदर आउट डॉट टू सेव है, हमने इसको ले लिया एंड ओपन कर लिया। और यहाँ पे वन फाइल डायरेक्टरी का आपको कहाँ पे सेव करना है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप दे सकते हैं। वन डायरेक्टरी वन फाइल हमने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे कंसोल विंडो विंडो बेस हाइड कंसोल ना कंसोल विंडो कर लेते हो, बाकी चीज़ें रखना है रख दीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही देर में एक कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वही सेम चीज जो यहां हो रहा था वही चीज यहां हो रहा है, बस कंप्लीटेड आ गया। और यहां पे ओपन आउटपुट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, सेल में खुल रहा है, मेमोरी खुलना पड़ेगा, या खुला होता है आउटपुट पैटर्न में। इंटरफेस वही आएगा, आपको जुलाई 2022 का कैलेंडर शो कर दिया। इसमें और चीज़ें भी बहुत सारे होती हैं, ग्राफिकल में बनाना, वेबसाइट पे बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी सिक्वेंस में वीडियोज ऐप पे ही कुछ दिनों में अपलोड होगी। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।